बिहार में हाहाकार है। जी हां, इसलिए क्योंकि बालिका गृह बलात्कार गृह बन गया और सरकार को या तो कानोकान खबर नहीं हुई या फिर सरकार सब कुछ जानबूझकर भी गूंगी बहरी बनकर बैठी रही। क्या आपको पता है कि बिहार के एक बालिका गृह में रखी गई 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार था। क्या आपने इन बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे किसी फिल्म स्टार के ट्वीट्स या हाथ में तख्ती लगी फोटो देखी? क्या आपने इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग करते वकीलों के धरने प्रदर्शन देखे? नहीं देखे। क्यों? क्योंकि किसी ने इन बच्चों की जाति या धर्म के बारे में जानकारी आपको नहीं दी। धर्म पता लगने के बाद इन बच्चों के लिए आपके मन में इंसानियत जागेगी क्या? फरवरी 2018 में पहली बार यह मामला सामने आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जांच रिपोर्ट में कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कुछ गड़बड़ चल रही है। सिर्फ वही नहीं बल्कि 6 और ऐसे सेंटर्स पर इस रिपोर्ट ने सवाल उठाए। 2 महीने के बाद मई के अंत में इस मामले की पहली शिकायत दर्ज हुई। जून में बालिका सुधार गृह चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जून महीने में ही इस बालिका सुधार गृह के सीपीओ को भी गिरफ्तार किया। जब अदालत के सामने 22 बच्चियों ने बयान दे दिया कि उन्हें नशे की दवाई खिलाकर उनके साथ गलत काम किया जाता था, तब यह मामला लोकसभा तक पहुंचा। केंद्र सरकार को इस पर बयान देना पड़ा। एक बच्ची की मौत की बात सामने आई तो बालिका गृह में खुदाई हुई और सरकार को दबाव में आकर इसकी जांच सीबीआई के हवाले करनी पड़ी, जिसने बताया कि इस बालिका गृह में 44 में से 34 बच्चियों के साथ रेप यानी कि बलात्कार किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में बिहार के कुल 14 शेल्टर होम्स पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिनमें से 6 पर यौन शोषण के आरोप लगे। और आज दिन भर बिहार में इस मामले को लेकर हंगामा होता रहा। वाम दलों ने इस मामले पर बिहार के बंद का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में आरजेडी और बाकी विपक्षी पार्टियां भी उतरी। मामले में गिरफ्तार हुए सीपीओ की पत्नी का आरोप है कि बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का पति भी बालिका गृह में आता जाता था, लिहाजा जांच उसकी भी होनी चाहिए। आरजेडी ने इसी मांग को हथियार बनाया और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार में कई जगह पर आज नारेबाजी और धरने प्रदर्शन हुए। विपक्ष के नेता लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी है। ना तो बीजेपी के नेताओं से इस मामले पर कुछ बोलते बन रहा है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर अब तक खुलकर सामने आए। लेकिन हमारा सवाल इस घिनौने मामले पर राजनीति से कहीं बड़ा है। हमारा आज दंगल में सीधा सवाल है कि क्या सुशासन के दावे वाली सरकार में रेप गृह चल रहे थे? नीतीश कुमार की नाक के नीचे 34 बच्चियों से बलात्कार हो गए और सरकार सोती रही? बालिका गृह चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर के अखबारों को सरकारी मदद आखिर क्यों मिलती थी? क्या इस मामले में वाकई कई और बड़े लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं? और नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक अपनी समाज कल्याण मंत्री को हटाया क्यों नहीं? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर है। देखिए, इस्तीफा तो देना चाहिए उनको कि उन सरकार के नाक के नीचे 44 बच्चियों में से 34 या 36 बच्चियों के साथ इस तरह का होता रहा है। और आप देखें कि जो आरोपी है ब्रजेश ठाकुर, उसके मतलब जिस दिन FIR हुआ है 27 को, उनको 40 लाख रुपए सरकार की तरफ से अवार्ड किया जाता है, तो ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। और ऐसी सरकार की अंतरात्मा सिर्फ एक चार्जशीट पे जागती है क्या? इन बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हुई तो तब भी अंतरात्मा इनके जागनी चाहिए। और मतलब महिला होने के नाते मेरा तो होगा कि एक मिनट भी नीतीश कुमार को पद पे नहीं बने रहना चाहिए। विपक्षी दलों की मांग पर, सामाजिक संगठनों के आह्वान पर मुख्यमंत्री पहले ही इसकी CBI इंक्वायरी की के लिए रेफर कर चुके हैं। CBI इंक्वायरी चालू है, कुछ लोग व्यवधान डालने के लिए इसको इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। तो हमारे साथ आज प्रेमचंद मिश्रा हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, अजय आलोक हैं, वो JDU का पक्ष रखेंगे, अमीर हैदर जैदी हैं, वो CPI का पक्ष रखेंगे, अरविंद वाजपेयी हैं, वो LJP का पक्ष रखेंगे, नितिन नवीन हैं, वो BJP का पक्ष रखेंगे, और शक्ति यादव हैं, वो RJD का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अजय आलोक साहब, इस मामले पर नीतीश कुमार चुप क्यों? कोई चुप नहीं है, और व्यर्थ का बकबक करने से कोई आरोप साबित नहीं होते, नंबर एक। और आपके एक्शन में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। मैं आपसे बस अनइंटरप्टेड 30 सेकेंड्स दूंगा, इसकी शुरुआत करते हैं अक्टूबर से।
क्या ये सही नहीं है कि बिहार पहला राज्य है इस देश में जिसने अपने एनजीओ पे सोशल ऑडिट करवाया? ये सवाल पूरे पैनल से है। आज तक देश में किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया था, हमने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि यह तंत्र हमारा है, इस तंत्र की जिम्मेदारी हमारी है, और तंत्र में अगर कोई गड़बड़ी चल रही हो तो उसका समय समय पर पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने किया। और अब नियमता, अब हम इसको हर साल करने जा रहे हैं। क्या ये सही नहीं है कि फरवरी महीने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट दी? क्या ये सही नहीं है कि टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल सर्विसेज के रिपोर्ट के बाद, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बाद, उसको विभागीय स्तर से वेरीफाई करना जरूरी था? और जब इसकी वेरिफिकेशन 2 महीने में कर ली गई तो तत्काल FIR किया गया, 24 घंटे के अंदर 12 गिरफ्तारी की गई, एक आदमी दिलीप वर्मा नाम का आदमी अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। तो विसिल ब्लोअर भी हम, पकड़ने वाले भी हम, उजागर करने वाले भी हम, और सवाल उठाता है विपक्ष, और सवाल उठाता है मीडिया। क्या मीडिया को यह नहीं चाहिए कि हमारी तारीफ करे कि हमने अपने तंत्र की कहानी खुद खोजी है? हाँ ठीक है, आज क्यों खोजी, पहले क्यों नहीं खोजी? मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आपकी सरकार के बैठे हुए 34 बच्चों का रेप हो गया, इसलिए हमने ये भी सुधार गृह के अंदर, बालिका गृह के अंदर, तारीफ करूं इसके लिए आपकी? मैं, आपने सुना कभी ऐसा पहले? बिल्कुल नहीं, ये हमारी कमी है, बिल्कुल नहीं तारीफ कीजिए। नहीं नहीं, तारीफ नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। हाँ, आप ये बताइए कि एक्शन लिया कि नहीं? आज जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं साहब? CBI इंक्वायरी दे दी, और आज उस CBI इंक्वायरी पे एक और सील पड़ गया। एहसान किया आपने CBI इंक्वायरी देखे हुए, पूरी CBI आपकी सांस फूल गई देखने के बाद, और क्या ये हो रहा अंदर, जहां 22 बच्चियां कोर्ट में जाके कह रही हैं कि नशे की दवाई देके हमारे साथ गलत काम होता था, उसके पहले तब आपने CBI जांच की बात पहले। रोहित जी जो हुआ ना वो बहुत विभत्स, बहुत जघन्य है और बहुत घृणित है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 12 साल का निकाल के देख लीजिए, आज तक ना हमने किसी को फंसाया है ना किसी को बचाया है। और कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, हमारा अपना मंत्री क्यों नहीं हो, हमारा अपना MP क्यों नहीं हो, सबको जेल भेजने में हमें देर नहीं लगी अगर कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। आज क्या दिक्कत है? आज भी तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी हो अगर लिप्त पाया जाएगा तो जगह एक ही मिलेगी सलाखों के। फरवरी से लेके अभी तक अब तो सुप्रीम कोर्ट, आपको ये नहीं पता लगा कि आपकी मंत्री के पति महोदय वहां जाते थे या नहीं जाते थे? आपको अभी तक नहीं पता लगा ये बात, और आप कह रहे हैं हमने सुपरफास्ट जांच कर दी है? हमारी मंत्री के पति महोदय, एक मिनट, हमारी मंत्री के पति महोदय के बारे में हमारी मंत्री ने मीडिया के सामने आगे कहा है कि अगर हमारे पति की संलिप्तता सामने आती है तो मंत्री पद क्या, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। मतलब जिस पे आरोप है एविडेंस उसी से आपने सफाई दिलवा दी, और जिस पे कार्रवाई का जिम्मा है सरकार पे, वो कह रही है देखो मंत्री ने क्या किया। उन पे आरोप नहीं है। पहली बात मंत्री पे आरोप नहीं है, मंत्री के पति पे आरोप है। ये आरोप है कि वो आते जाते रहते हैं, आते जाते में क्या करते थे जरा ये पता लगने दीजिए ना, बताइए ना क्या करते थे। जांच भी कर रही है, खाना खिलाने जाते थे बच्चों को, दर परत खुलेगी, कपड़ा लत्ता लेके जाते थे उनके लिए। आपने 6 महीने में कुछ नहीं जांचा? अगर मुझे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगर मुझे आज हम 2 अगस्त की बात कर रहे हैं, अगर मुझे मालूम होता क्या करते थे तो इतनी बहस की जरूरत पड़ती क्या? तो मानिए ना कि आपकी सरकार फेल है, एनजीओ का ऑडिट करने के बावजूद आप जिसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उसी आदमी को आपकी सरकार 40 लाख रुपए और दे रही थी। अरे भैया, एनजीओ को ऑडिट करने हमने दिया, एक मिनट, एकदम नहीं दे रही थी, ये गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे है मेरे पास। आपके ऑडिट में कहीं आया कि ब्रजेश ठाकुर जो बाल सुधार गृह बालिका गृह चला रहा है उसमें ये कांड हो रहे हैं? 30 अप्रैल का आपके ऑडिट में आया, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में जो आपने ऑडिट कर लिया बताइए। ऐसा है कि अक्टूबर में ऑडिट नहीं किया, अक्टूबर में ऑडिट दी गई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज को, उसकी रिपोर्ट आई है फरवरी में, फरवरी के रिपोर्ट आने के बाद विभागीय अध्ययन किया गया और अप्रैल में एक्शन लिया गया। पूरा सीक्वेंस ये है, मैं यही कह रहा हूं। आप ये बताइए कि कौन सी एनजीओ के रिपोर्ट पर कोई भी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, उसको वेरिफिकेशन करती है, हमने वेरीफाई करवाया, क्या गलत किया? आप सीक्वेंस वाइज लीजिए ना, फैक्ट्स पे बात कीजिए। ये हवा हवाई की तरह, ये RJD और कांग्रेस जिस तरह से हवा हवाई कर रही है और CPI हवा हवाई कर रही है, इनको तो पता भी नहीं है। अजय आलोक जी, इनके यहाँ पे तो इस सरकार के राज में हम एक शासन की एक मकान जितने बड़े बाल सुधार गृह में 34 बच्चियों के साथ रेप हो जाए, अजय आलोक जी हम अपने उस सरकार को तो आंख उठा के बात तक नहीं करनी चाहिए, अपने सरकार उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए आंख उठा के बात करने में भी। एक मिनट, हम अपनी कमी खुद निकाल रहे हैं, हम अपनी कमी खुद ठीक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ताली बजाएं आपके लिए, कर रहे हैं, और हम इसके लिए ताली बजाएं आपके लिए। आप उम्मीद करते हैं कि इनका ज्ञान हम सुनेंगे? हम इसके लिए ताली बजाएं ना आपके लिए। ताली क्यों बजाइएगा?
खाली क्यों मजाइएगा, लेकिन कम से कम ये जरूर मनाइए कि एक भी दोषी छूटे नहीं। अब इनसे ये पूछिए कि अब इनको सीबीआई पे भरोसा है या नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। प्रेमचंद मिश्रा से कीजिए ना, दो चीजें जो कभी सीबीआई चिल्लाते हैं, जब लालू यादव पे सीबीआई केस करते हैं कहते हैं सीबीआई तोता है, और आज सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है तो अब सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उनकी बात का। क्या सुप्रीम कोर्ट को, एक मिनट शक्ति जी, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उनकी बात। देखिए इसमें मैंने तब से इनकी बातों को ध्यान से सुना है, ये कुछ तथ्यात्मक चीजें आप भी दुरुस्त कर लीजिए। एफआईआर जून में नहीं जुलाई में हुआ है। सच्चाई ये है वो जो ब्रजेश ठाकुर है वो नीतीश जी और सुशील मोदी जी के साथ लगातार मंच शेयर करता रहा है, पुस्तक का विमोचन करता रहा है, और सच्चाई ये है कि क्या वजह है कि एफआईआर होने के बाद भी दो महीना एक मिनट लगा उसको अरेस्ट करने में। इसलिए अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता होता, सुनिए अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता होता और विपक्षी दल की तरफ से आवाज नहीं उठी होती और अगर मीडिया की सक्रिय भूमिका नहीं होती, इस पे जरा ज़ूम कर दीजिए, अभी भी उसको बचा के रखते। इस पे ज़ूम करके आप उसके हंसते हुए, आप उसके ब्रजेश ठाकुर के हंसते हुए चेहरे को देखिए। ब्रजेश ठाकुर अगर कस्टडी में भी हंस रहा है, अरे सुनिए, ब्रजेश ठाकुर अगर कस्टडी में भी हंस रहा है, हम भी आरोप लगाएं क्या? उसकी हंसी क्या बता रही है? आरोप लगाएं? उसकी हंसी बता रही है उसे सत्ता के, अरे सुनिए बंधु, 92 की तस्वीर है। अरे आप ये सुनिए बात सुनिए। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो आपकी चोटी इससे नहीं ढकने वाली है। चुपचाप सुनिए, मैंने आपकी बातों को सुना है, चुपचाप सुनिए। ये आपका चैनल नहीं है, ये बलात्कारियों का चैनल नहीं है। यू कैन नॉट डिक्टेट मी, नहीं आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। अपनी आदत को सुधारिए और बात सुनिए। ये तरीका नहीं है, कांग्रेस का काम, मैंने आपकी बातों को सुना है, अपनी सीमा में रहिए। अच्छा, लड़िए मत, के पक्ष में खड़े हैं, बलात्कारियों को बचाने की बात करते हैं, लड़िए मत। और यहाँ बस कर रहे हैं, आप रहिए, सुनिए बात, बलात्कारियों के पक्ष में, ये तरीका नहीं है। बलात्कारियों के पक्ष में ब्रजेश ठाकुर का समाजवादी पार्टी बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं से घनिष्ठ संबंध है। ब्रजेश ठाकुर विधानसभा के गलियारे में देखा जाता है, ब्रजेश ठाकुर सचिवालय के गलियारे में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बार बार जाता है, और उसके यहाँ पॉलिटिशियन ही नहीं ब्यूरोक्रेट्स भी उस बाल सुधार गृह में जाते रहे हैं, कुछ पत्रकार लोगों के भी नाम आने बाकी है। आखिर क्या वजह है, इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, नीतीश जी और सुशील मोदी ने पटना में कहा सीबीआई जांच नहीं चाहिए, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसके बाद नहीं सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। आप सीबीआई जांच के लिए मजबूर हुए विपक्ष और मीडिया के सक्रिय होने के बाद। प्रेमचंद जी कबूल करिए, आज सीबीआई जांच हो रही है ना, सुनिए, गलत बात नहीं। प्रेमचंद जी सीबीआई जांच हो रही है ना, बिना कोर्ट के मॉनिटरिंग। प्रेमचंद जी एक मिनट रोहित जी, आप क्या मांग रहे हैं? सीबीआई जांच हो रही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आप क्या चाह रहे हैं? और कई मामलों की जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, समय एक तय होनी चाहिए। मतलब ये तो अब आप ऐसे कह रहे हैं, नहीं, अब प्रेम जी ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, प्रेमचंद जी ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड सुनिए प्रेम जी मुझे, ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। पहले आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो रही है, फिर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज दखल दे दिया साफ साफ तौर पर, किसी बच्चे की शक्ल नहीं दिखा रहे, किसी का बयान नहीं सुनवा रहे, उन्होंने मना कर दिया क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी मॉनिटर जांच होनी चाहिए। भाई लालू प्रसाद जी की भी तो फोटो है उस आदमी के साथ, 1993 की फोटो है, 92 की फोटो है, फिर मैं तो चाहता हूं कि आज तक मॉनिटर कर ले। हम मॉनिटर नहीं करते हैं चीजों को, तैयार हूं, हम केवल रिपोर्ट करते हैं तथ्यों को, मैं उसके लिए तैयार हूं। देखिए आपको करना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं करना पड़ेगा। सृजन घोटाले की भी जांच सीबीआई कर रही है और आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जो आज बयान दिया सृजन घोटाले ने भी, ये सभी लोग बेनकाब होंगे। मेहुल चौकसी ने जो आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बयान दिया उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? जगन पाप किया, आप बलात्कार से मत करिए। चलिए एक अच्छी बात ये है, मैं शक्ति यादव के पास जाऊं, एक सेकंड मैं शक्ति यादव के पास जाऊं, उसके पहले एक अच्छी बात कम से कम ये है कि इसी मीडिया और इसी सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस पार्टी 4 दिन पहले तक आरोप लगा रही थी, आज कह रहे हैं कि इनकी मॉनिटरिंग में जांच करा लो, कम से कम एक अच्छी बात यह है। लेकिन शक्ति यादव, लालू यादव की तस्वीर भी उसी आदमी के साथ है
जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि देखिए नीतीश की सरकार है, इसलिए वो दांत निकालते हुए मुस्कुराते हुए पुलिस की कस्टडी में भी जाता है और लोगों को मुंह चढ़ाता है कि देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोहित जी, 93 में अगर अजय आलोक पैदा हुए और आज कोई रेप में फंस जाएंगे तो ये जो फोटो अगर 93 में कोई आ गई तो उससे क्या लेना देना है? सवाल है कि 2013 में जेडीयू ज्वाइन किया ब्रजेश ठाकुर, मुझे समझ नहीं, प्रेस एडिगेशन कमिटी का वो मेंबर है, लगातार प्रेस सलाहकार समिति का मेंबर है, फर्जी रूप से, सुन लीजिए, कुछ से कुछ बोलेंगे। रोहित जी सुन लीजिए, सवाल है कि फोटो कब का है, उस समय उसकी क्या भूमिका थी, सवाल आज के भूमिका के सवाल पर खड़े हो रहे हैं, सवाल है कि प्रेस एडुकेशन कमिटी के आप मेंबर हैं, कौन पत्रकार रहेगा वो आप तय करेंगे, प्रेस सलाहकार समिति के विधानसभा मेंबर हैं, 400-500 मात्र आपका मैक्सिमम अखबार निकलता सरकारी दफ्तरों में और 93 लाख रुपया प्रति ईयर आपके यहाँ जाता है, कंडोम मिलता है वहां पर बाल सुरक्षा गृह में, सवाल यहां इसलिए खड़े हम कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को 3 नाम से उसको पास निर्गत की जाती है, सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जांच में कंडोम पाया जाता है, सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि एड्स सोसाइटी में सबसे अधिक 93 लाख रुपया इसको प्राप्त होता है, जब ये सारे मामले आ जाते हैं प्रकाश में आते हैं तो भिक्षाटन का भिक्षुक के लिए भी 1 करोड़ का अवार्ड इसको होता है, फिर जब विपक्ष सवाल खड़ा होता है तो आप इसको रद्द करते हैं, सवाल फोटो का नहीं, सवाल इसलिए है कि आप जब से सक्रिय हुए लगातार इन कुकृतों को अंजाम देते रहे, तो आप अभी अजय आलोक जी ने कहा कि हम इसके जो है सब उजागर करने वाले हैं, आप उजागर करने वाले नहीं है, मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिया, डायरेक्टर ने दिया था, सरकार को संज्ञान नहीं था, ये सारी बातें जब संज्ञान में सब बातें आई उस समय जब बहुत देर हो चुकी थी, सारे रपट सामने आ चुके थे, रपट आने के बाद सरकार चुपचाप बैकफुट पर चली गई, हम आज जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से 2 महीने तक क्या हुआ, सदन को मिसलीड किया गया, FIR कब हुआ, रिपोर्ट सबमिट कब की गई, सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा शक्ति जी आगे भी मौका मिलेगा, पहले हमको प्राप्त हुआ और हमने FIR किया तुरंत, शक्ति जी आगे भी मौका मिलेगा, मिसलीड किया, अब सदन खुलेगा, हम प्रिविलेज मिलाएंगे। रोहित जी सवाल ये उठता है कि शर्मसार करने वाली घटना जो वहां है, सारे लोग सबको पता था इतने शर्मनाक चीजें चल रही है, जो बच्चियां आज यहाँ जो जा करके ट्रेस राजदारी धरना खत्म हो गया ना, आप यहाँ आज तक धरना देने बैठ गए, यही भाषण दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके बोलिए ना, थोड़ा थोड़ा करके बोलिए, बाकी लोग भी हैं वो अपनी बात रखेंगे, आगे मैं फिर आऊंगा आपके पास, उसके पहले तस्वीर तो देख लीजिए, एक बार तस्वीर देख लीजिए, लालू यादव जी की तस्वीर है उसी आदमी की जवानी में और नीतीश कुमार जी की तस्वीर है उसी आदमी के साथ वर्तमान में, क्या कोई आदमी रातों रात बड़ा आदमी बन जाता है ऐसे? शाहनवाज हुसैन की भी तस्वीर है उसी आदमी के साथ, क्या कोई आदमी अचानक से 3-3 अखबार का मालिक बन जाता है? क्या कोई आदमी जो 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुका है आनंद मोहन सिंह के साथ, जिसका नाम जुड़ता रहा है, क्या और किसी राजनेता के साथ उसके कभी ताल्लुकात नहीं रहे होंगे? क्या इस सिस्टम ने इस आदमी को बड़ा बनाया? और क्या नीतीश कुमार देख बूझ कर समझ कर जानकर चुप बैठे रहे जबकि उन्हें पता था ये आदमी क्या कर रहा है? एक सेकंड सर, मैं आपसे चाहूंगा इसमें, रोहित जी एक सेकंड दे दीजिए, गवर्नर ने पत्र लिखा, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट को मैं थैंक्स करता हूं कि संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अजय आलोक सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, सारी बहस हो गई, इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रही है सरकार? पैसे दिए कि नहीं कुछ इनको आपने? नहीं देखिए, इन बच्चियों की रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है, इनको वहाँ से हटा के दूसरे कंफर्टेबल जगह में शिफ्ट किया गया है, जैसे ये बोल रहे थे मोकामा बाकी जगह, वैसी कोई जगह नहीं है, दूसरा इनका भरण पालन पोषण और इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, और साथ के साथ बिहार के जितने और बाल गृह हैं हर जगह पर तत्काल जाँच पड़ताल के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ और गड़बड़ी है वो भी हम निकालने की ऑलरेडी हम मुहिम में लग चुके हैं। देखिए हम जिम्मेदार सरकार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हम जानते हैं, अगर शासन में कुछ गलत होता है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, और हम ये काम कर रहे हैं बखूबी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ रोहित जी आपके चैनल के माध्यम से जनता को, और जो ये हुआ है ये बहुत घृणित है, इसे किसी हालत में कंडोन नहीं किया जा सकता, और जो भी इसमें शामिल होंगे कोई भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद अजय आलोक, आप ये दावा कर रहे हैं हम पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र लगातार रहेगी आप पर कि वाकई जो दावे आप बैठकर टीवी पर करते हैं असल में वो चीज़ें होती भी हैं या नहीं।